हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे आज इस वीडियो में हीरो ऑप्टिमा CX जो अभी लेटेस्ट मॉडल कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई है नए फीचर्स के साथ, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपैरिजन ओकिनावा फ्रेज प्रो के साथ करने वाले हैं। दोनों स्कूटर्स में आपको फीचर्स क्या मिल जाते हैं, रेंज क्या मिल जाती है, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आएगी, इस वीडियो में आपको ये डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है कि आप इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बीच में कन्फ्यूज हो किसको परचेस करना चाहिए, तो इस वीडियो कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वाले होंगे तो हो सकता है कि ये दोनों आपकी पसंद बन सकती है। ओकिनावा फ्रेज प्रो पिछले महीने एक अच्छी बेची जाने वाली स्कूटर थी, वह हीरो ऑप्टिमा भी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेची जाती है। तो कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर से देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले कलर ऑप्शन की अगर बात करें तो हीरो ऑप्टिमा में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें हीरो ऑप्टिमा CX और हीरो ऑप्टिमा CX ER मिल जाता है, यानी कि सिंगल बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है और डुअल बैटरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। हीरो ऑप्टिमा में आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें सिल्वर, ब्लू और व्हाइट शामिल है। तो ओकिनावा फ्रेज प्रो में भी आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें रेड, ब्लैक और ब्लू शामिल है। तो दोनों में आपको 3-3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी दोनों की डिजाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऑप्टिमा CX ER को देख सकते हैं, जहाँ पे फ्रंट में इसके हेड के ऊपर हेडलैम्प दी गई है। फ्रंट एप्रन पे आपको टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाता है, थोड़े से आपको स्लिम डिजाइनिंग की मिल जाती है, ज़्यादा बोल्ड लुक नहीं देती है। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे साइड से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल्की सी आपको ग्राफिक्स मिल जाती है। फ्लोरबोर्ड पे आपको स्पेस मिल जाता है, दो लोगों के लिए यहाँ पे सीट दी गई है, पीछे ग्रेबरेल दिया गया है। तो ओवरऑल इसका लुक आप देख सकते हैं। तो ओकिनावा फ्रेज प्रो की अगर डिजाइनिंग की बात करें तो इसका भी लुक आप देख सकते हैं, जिसके फ्रंट हेड पर आपको केवल टर्न इंडिकेटर लाइट मिलेगा और इसके फ्रंट एप्रन पे आपको हेडलैम्प के साथ काफी यूनिक डिजाइनिंग की DRS देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा ये बोल्ड और स्पोर्टी लुक देती है, तो इसका फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं और इसमें ग्लॉसी कलर आपको देखने को मिल जाती है। साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरबोर्ड पे स्पेस आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, दो लोगों के लिए सीट दी गई है, पीछे ग्रेबरेल भी आपको बड़ा सा मिल जाता है, लेडी फुटरेस्ट भी लगा हुआ है। तो इसका भी लुक आप देख सकते हैं। इन दोनों स्कूटर में से जो आपको ज़्यादा पसंद आए उसको आप खरीद सकते हैं। तो इन दोनों के मोटर और पावर की अगर बात करें तो हीरो ऑप्टिमा CX में 550 वाट का BLDC हब मोटर लगा हुआ है, जो कि 1.2 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है। तो ये ओकिनावा फ्रेज प्रो में 1000 वाट का आपको BLDC हब मोटर मिल जाता है, जो कि 2.5 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है। तो यहाँ पे मोटर पावर थोड़ी सी आपको बेटर ओकिनावा फ्रेज प्रो में देखने को मिल जाती है। बाकी बैटरी की अगर बात करें तो ऑप्टिमा लेते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंगल बैटरी आप ले सकते हैं और डुअल बैटरी का ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें 51.2 वोल्ट का 30 एम्पीयर के साथ बैटरी लगी हुई है। दो बैटरी ऑप्शन के साथ देंगे तो दो बैटरी मिल जाएगी, जो कि पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी है। इसके बैटरी को निकाल के आप घर पे चार्ज कर सकते हैं। तो ये ओकिनावा फ्रेज प्रो में भी आपको 2 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाती है, जो कि डिटेचेबल है, निकाल के इसको आप घर पे ले आकर चार्ज कर सकते हैं, जो कि 72 वोल्ट 30 एम्पीयर के साथ आती है, जो कि सिंगल बैटरी लगी हुई है। तो हीरो ऑप्टिमा की जो बैटरी है चार्ज होने में 4 to 5 आवर्स यानी कि 4 से 5 घंटे का समय लेती है। तो ये ओकिनावा फ्रेज प्रो की बैटरी 2 से 3 आवर्स यानी कि 2 से 3 घंटे फुल चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम थोड़ी से कम ओकिनावा फ्रेज प्रो लेती है। रेंज की अगर बात करें कौन सा ज़्यादा रेंज देती है, तो हीरो ऑप्टिमा का अगर सिंगल बैटरी के साथ लेते हैं तो 82 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज देगी, तो ये डुअल बैटरी के साथ लेंगे तो ये 140 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज देगी। तो ये ओकिनावा फ्रेज प्रो लेते हैं तो इसमें आपको 88 किलोमीटर पर चार्ज का रेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंगल बैटरी के साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे बेटर आपको रेंज ओकिनावा फ्रेज प्रो में मिल रही है, लेकिन यहाँ पे डुअल बैटरी के साथ ऑप्टिमा थोड़ी सी रेंज के मामले में आगे निकल जाती है। तो ये दोनों के टॉप स्पीड की बात करें तो हीरो ऑप्टिमा CX ER का जो टॉप स्पीड है 48 to 50 km/h तक है, लेकिन ओकिनावा फ्रेज प्रो की जो टॉप स्पीड है 58 km/h तक है। तो यहाँ पे स्पीड के मामले में भी ओकिनावा फ्रेज प्रो थोड़ी सी आगे है। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों स्कूटर्स को चलाने के लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो हीरो ऑप्टिमा के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन लगा हुआ है, तो ओकिनावा फ्रेज के फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक और रियर में डबल शॉकर विद डुअल ट्यूब टेक्नोलॉजी के साथ सस्पेंशन सेटअप लगा हुआ है। तो ये टायर साइज की बात करें तो हीरो ऑप्टिमा के फ्रंट और रियर में आपको 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो ये ओकिनावा फ्रेज प्रो के फ्रंट और रियर में आपको 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, यानी कि दोनों में आपको टायर साइज एक जैसे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो हीरो ऑप्टिमा CX में आपको फ्रंट और रियर में केवल ड्रम ब्रेक मिलेगा या डिस्क ब्रेक बनने के साथ नहीं आती है, लेकिन ओकिनावा फ्रेज प्रो में आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक दी गई है। तो यहाँ पे सेफ्टी के मामले में बेटर यहाँ पे ओकिनावा फ्रेज प्रो है। तो इन दोनों के कुछ फीचर्स की बात करें कि फीचर्स के मामले में कौन सी बेहतर है, किसमें ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं, तो हीरो ऑप्टिमा CX में आपको CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, फ्रेज प्रो में आपको EABS दिया गया है। ऑप्टिमा में आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है, तो वहीं फ्रेज प्रो में आपको LED हेडलैम्प के साथ LED DRS मिल जाता है और LED विंकल्स लाइट भी इसमें दिए गए हैं। हीरो ऑप्टिमा में आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जो कि अब थोड़े से कलरफुल के साथ दी गई है,
यहाँ पे स्पीड, बैटरी लेवल, ट्रिप, ऑडोमीटर ये सारी जानकारी मिल जाती है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। तो वहीं फ्रेश प्रो में अभी आपको फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जो कि छोटा सा दिया गया है। ये भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। इसके डिस्प्ले में आपको स्पीड, बैटरी, ऑडोमीटर, ट्रिप, क्लॉक और मोड का आपको यहाँ पे यानी कि राइडिंग मोड जो सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि दोनों में आपको बेसिक से ही मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। दोनों ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। हीरो ऑप्टिमा में आपको कोई भी राइडिंग मोड नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेश प्रो में आपको दो राइडिंग मोड दिए गए हैं। इसके अलावा एक टर्बो मोड मिल जाता है, यानी कि जैसे आप टर्बो मोड को ऑन करेंगे स्पीड आपके स्कूटर की थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हीरो ऑप्टिमा सीएक्स में आपको रिवर्स मोड मिल जाता है जो कि फ्रेश प्रो में नहीं दिया गया है। हीरो ऑप्टिमा सीएक्स में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड में आप बिना थ्रोटल दिए आपकी स्कूटर चलती रहेगी। ऐसा आपको फीचर्स फ्रेश प्रो में फिलहाल देखने को नहीं मिलती है। हीरो ऑप्टिमा में फ्रंट में ग्लोव बॉक्स भी दिया गया है जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। तो ये फ्रेश प्रो में आपको फ्रंट में ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाती है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। हीरो ऑप्टिमा में रिमोट लॉक अनलॉक का सिस्टम दिया गया है और फ्रेश प्रो में भी आपको रिमोट लॉक अनलॉक का सिस्टम मिल जाता है। हीरो ऑप्टिमा में यूएसबी सॉकेट दिया गया हैंडल बार्स पे, तो ये फ्रेश प्रो में फ्रंट ग्लोव बॉक्स के पास आपको यूएसबी सॉकेट मिल जाता है जहाँ से स्मार्टफोन को आप चार्ज कर सकते हैं। हीरो ऑप्टिमा में आपको अंडर से स्टोरेज मिल जाती है छोटा सा, और सीट ओपन करने के लिए आपको की पीछे लगानी पड़ती है। तो वहीं फ्रेश प्रो में भी आपको छोटा सा स्पेस मिल जाता है गुट के नीचे जहाँ पे आप चार्जर रख सकते हैं। ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया, चार्जर रखने इतना यहाँ पे जगह दिया गया है कि आप चार्जर रख सकते हैं। हीरो ऑप्टिमा में आपको 3 साल की वारंटी इसके बैटरी मोटर पर मिल रही है। तो वहीं अगर आप फ्रेश प्रो लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको 3 साल की वारंटी इसके बैटरी, कंट्रोलर और मोटर पर दी जा रही है, या फिर 30,000 यानी कि 30,000 किलोमीटर, इन दोनों में से जो पहले आ जाए उस पर आपको वारंटी कंपनी दे रही है। इसके अलावा फ्रेश प्रो में आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स भी मिल जाते हैं। ये फीचर्स में आपको डिफरेंस मिल जाता है। यहाँ पे फीचर्स की अगर बात करें तो थोड़ी से ज़्यादा फीचर्स जरूर यहाँ पे हीरो ऑप्टिमा सीएक्स वेरिएंट में दिया गया, क्योंकि इसमें रिवर्स मोड, क्रूज कंट्रोल ये फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो फीचर्स के मामले में थोड़ी सी आगे यहाँ पे हीरो ऑप्टिमा जरूर निकल जाती है। अगर आगे फ्रेश प्रो अपडेट होती है तो शायद इसमें रिवर्स मोड और क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन दे दिया जाए, फिलहाल अभी इसमें नहीं मिलता है। तो ये बात कर लेते हैं दोनों की प्राइसिंग की, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है। तो हीरो ऑप्टिमा में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि सिंगल बैटरी का ऑप्शन और डुअल बैटरी का ऑप्शन मिल जाता है। तो हीरो ऑप्टिमा सीएक्स ईयर का एक्सरूम दिल्ली प्राइस सिंगल बैटरी के साथ 62,190 यानी कि 62,190 रुपये तक है। तो डुअल बैटरी के साथ एक्सरूम प्राइस 77,490 यानी कि 77,490 रुपये तक है। अगर इसके ऑनर प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स दिल्ली में सिंगल बैटरी के साथ 79,500 यानी कि 79,500 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो इसके डुअल बैटरी के साथ ऑन रोड प्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 94,500 यानी कि 94,500 रुपये के आसपास में है। तो अगर आप ओकिनावा फ्रेश प्रो लेते हैं तो इसमें आपको सिंगल वेरिएंट मिलता है, तो इसका जो एक्सरूम प्राइस है 87,593 यानी कि 87,593 रुपये तक है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो प्रॉक्स आपको 104,900 यानी कि 104,900 रुपये के आसपास मिल सकती है, और अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिल सकती है, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो इन दोनों की प्राइसिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हीरो ऑप्टिमा थोड़ी सी सस्ती मिल रही है, आपका लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये तक बच जाएगा अगर आप हीरो ऑप्टिमा लेते हैं, रेंज भी आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो डुअल बैटरी के साथ भी आपको हीरो ऑप्टिमा थोड़ी सी सस्ती मिल रही है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में से जो आपको पसंद है। अगर आपको लुक वाइज, फीचर्स वाइज अगर आपको फ्रेश प्रो पसंद आती है तो उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको रेंज वाइज, बजट वाइज ऑप्टिमा पसंद आती है तो उसको आप ले सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो इन लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको आराम से इसमें 150 kg तक आप लोड इसमें ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड जितने भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी हैं। आपके बजट के अंदर जो है उसको आप ले सकते हैं, जिसका फीचर आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं, जिस ब्रांड पे आपको भरोसा है उस ब्रांड का आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आप यूज़ भी करते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप किसी और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर पेट्रोल सेगमेंट में स्कूटर या फिर बाइक के बीच में कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।